हमारे यहाँ अक्सर इस बात का शिकवा किया जाता है कि मुखलिस और बाशऊर क़यादत का फुकदान हो चुका है। अब ना इकबाल जैसे फिक्री रहनुमा पैदा हो सकते हैं और ना शाह वलीउल्लाह जैसे मजहबी आलिम, ना कायद आज़म जैसे सियासी लीडर की अब कोई जगह है और ना सर सैयद अहमद ख़ान जैसे मसले के इकट्ठे होने का इम्कान। लेकिन यह नुक्ता नज़र अल्लाह ताला के कानून के कतन ख़िलाफ़ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ शकीलुर रहमान और आप देख रहे हैं ज़ैनी टीवी। अल्लाह ने जब से इंसान को इस दुनिया में बसाया है तब से उसकी इनफरादी और इज्तिमाई ज़रूरत की हर चीज़ की फरहमी की जिम्मेदारी खुद ले ली है। इंसानी ज़रूरियात हवा पानी खुराक ही नहीं बल्कि ये भी है कि लोग मुख्तलिफ सलाहियतें लेकर पैदा हो ताकि इज्तिमाई ज़िंदगी वजूद में आ सके। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला मेहनत सरमाया अक्ल और इल्म का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले लोग पैदा करता रहता है। ऐसे ही एक तरह के लोग वो होते हैं जो कौम की क़यादत और रहनुमाई का काम करते हैं। हमारी कौम में भी अल्लाह ताला के इस कानून के तहत आला तरीन दर्जे के लीडर पैदा होते रहते हैं और आज तक हो रहे हैं। मसला ये नहीं है कि हमारे यहाँ लीडर पैदा नहीं होते, मसला ये है कि लीडर तो मौजूद हैं, हम उनकी बात सुनने उनकी रहनुमाई कबूल करने और उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। ख़ास तौर पर हमारा मिडिल क्लास तबका जिसने मादी आसाइशों को ज़िंदगी का नज़्मुलैन बना लिया है, वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। हम अपने बच्चों में इज्तिमाई खैर व शर का शऊर पैदा करने के बजाय फिल्म और म्यूज़िक का ज़ौक़ पैदा करते हैं। हम उन्हें अपने मज़हब और अपनी तहजीब का शऊर देने के बजाय मुँह बिगाड़ कर अंग्रेज़ी बोलना सिखाना पसंद करते हैं। हम किताब ख़रीदने के बजाय बर्गर ख़रीदना, मुताले के बजाय टीवी पर तफरी प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। हम मुखलिस और बाकिरदार लोगों का साथ देने के बजाय अपने घर और अपने करियर को मकसूद ज़िंदगी बनाना पसंद करते हैं। ऐसी सूरत हाल में शिकवा हमें अपने आप से होना चाहिए, ना कि मुल्क के बद से बदतर होते हुए हालात से। अल्लाह ताला हमें अक्ल व शऊर अता फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।